हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है इस पीसीबी के बारे में। फ्रेंड, ये पीसीबी है जो सिंगल फेज और डबल फेज में चलने वाला वेल्डिंग मशीन होता है उसमें यूज होता है। ये टॉप कार्ड है, ये पावर सेक्शन का कार्ड है। आप देख सकते हो इधर H160924 ये पीसीबी का पार्ट नंबर है, पीसीबी का नंबर है। फ्रेंड, ये क्या होता है एक्चुअली, इसका जो कंपोनेंट है, हम लोग काम करते करते मैं काम करते करते धीरे धीरे इसको खोल लिया था। अब इसका ज़रूरत नहीं था, अब इसका ज़रूरत आ गया, पार्टी को देना है तो इसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करेंगे, आप देख सकते हो ये जो इधर जो कनेक्टर है इससे आपका टॉप कार्ड में जाता है, मतलब कंट्रोल कार्ड में जाता है। ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, कभी कभी कहीं भी यूज़ होता है। इधर से ये तीनों से आपका कैपेसिटर बैंक में जाता है, इधर आपका एसी इनपुट होता है। फिर इसको सारे कनेक्शन खोल के रखा हूँ, इसलिए पहले हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कौन सा टर्मिनल में एसी लगेगा। एक्चुअली इस केस में आपका लाइन करके सिंबल दिया हुआ है, इधर लाइन दिया है, इधर लाइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं दूसरा एक ट्रिक्स आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये ऐसे पीसीबी में लगा रहता है, इसको देख के तो आप लोगों को पता चल जाता है। ये नॉज देख के पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दो है डायगोनली, ये एसी इनपुट है। बट ये पीसीबी में अगर लगा रहता है, आपको ये साइड नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। देखिए, ये तीनों एक सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका डायगोनली जो है ये नेगेटिव होता है, बाकी जो रिमाइनिंग दो टर्मिनल छूट जाता है ये आपका एसी इनपुट होता है। फ्रेंड, अभी मैं इसमें एसी इनपुट दे रहा हूँ, एसी इनपुट देके हम लोग चेक करेंगे इस जगह में क्या दिक्कत है। इनपुट दे दिए, फिर इस जगह में फ्रेंड मैं एक बेस भी लगा ले रहा हूँ। ये आईसी भी चेंज किया था मैंने, ले लिया था, इसलिए इसमें बेस भी लगा दे रहा हूँ, आईसी का बेस। उसके बाद आपको पावर देके दिखाऊंगा, एकदम लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इसके लिए फिर से खोलना पड़ेगा। फ्रेंड, मैं रिकमेंड करूँगा अगर इस टाइप का पीसीबी आप लोग रिपेयर करते हो, मतलब डबल साइड लेयर, डबल लेयर, सिंगल लेयर से ज़्यादा डबल लेयर, मल्टी लेयर जितना भी है, अगर आईसी ऐसे खोलते हो तो एक बार खोल लिया तो बेस ही लगा लीजिए। ठीक है, बेस लगा लोगे तो आपको आसानी होगा काम करने में, अगर ये प्रॉब्लम है। फ्रेंड, अभी इसका बेस लगा दिया, इसका बेस लगा दिया, उसके बाद हम लोग इसका क्या चेक करेंगे। फ्रेंड्स, इसका सप्लाई दूंगा, इसमें सप्लाई दे दिया फ्रेंड्स, एसी इनपुट दे दिया। देखो 247.2 वोल्ट एसी हो गया। फिर मैं इसको डीसी रेंज में भी चेक कर लेता हूँ, डीसी रेंज में भी चेक कर लिया। ठीक है, डीसी में चेक कर लिया। अभी ये आईसी लगाने से, इधर आईसी लगाना पड़ेगा, तो आईसी लगाने से पहले हम लोग देखेंगे इसका जो आईसी का इनपुट वोल्टेज है वो सही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पिन जो है, एक ग्राउंड है, 6, 7, 7 नंबर पिन, इसका वीसीसी है, इसमें सप्लाई आ गया। ठीक है, इसमें सप्लाई अभी फिलहाल आ गया, इस सप्लाई को हम लोग पहले अभी इधर आईसी डाल लेंगे। ठीक है,
77.45, ये क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया इसकी वजह से हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड, इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए आप लोगों ने को लैंप मतलब 0 वाट 5 वाट का जो है, 0 वाट तो नहीं बोलते होता है एक्चुअली में, 5 वाट का जो पहले ज़माने का लाइट होता है, या 100 वाट का लीजिए, मेरे पास 200 वाट फिलहाल है इसीलिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं करना है, इसको देख के हम लोग को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज इधर नहीं होगा, इधर फ्रेंड ये वाला जो डायोड है फ्रेंड, इधर से डीसी होके ये कैपेसिटर बैंक में जाता है, ये जो डायोड है कैपेसिटर है, इस डायोड के बाद ये लाइन में आता है। तो इधर हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देंगे, फिलहाल अभी वोल्टेज नहीं है, इसको मेजर भी कर ले रहा हूँ। दो जो कैपेसिटर है इसका क्रॉस में देख ले रहा हूँ, 14 वोल्ट 15 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड इधर स्नैपर सर्किट जो लगा रहता है, इसमें दो डायोड मैंने ओपन किया था, ये भी लिया था। फ्रेंड ये स्नैपर सर्किट का डायोड के वजह से आपका ये जो मॉस्फेट लगा रहता है ये भी खराब होगा। इवन आपका इसका जो डायोड का नंबर अगर चेंजेस हो गया कि किसी वजह से आपका, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इसमें भी फ्रेंड डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए कभी भी आप लोग स्नैपर सर्किट का डायोड अभी ओपन कर लेते, खोलते हो किसी वजह से, तो इसको याद रखना। उस दिन मेरा एक स्टूडेंट है, ट्रेनिंग लेने आया था, तो बहुत दूर से आया था, उन्होंने इसका डायोड को खो दिया, फिर इसका डायोड का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चला, दूसरा वैल्यू लगाने से भी उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसलिए फ्रेंड आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये डायोड अगर किसी वजह से आप लोग खोलते हो तो इसको मत फेंकिए, इसका नंबर नोट डाउन करके रखिए। तो फ्रेंड मैंने स्नैपर सर्किट को लगा दिया, अभी ये आईसी को लगाऊंगा। फ्रेंड देखिए ये आईसी है, ये TL3845P, आपको दिखाई नहीं देगा फोन में, तो एक्चुअली वो नॉर्मल 3845 जो आईसी होता है, PWM आईसी, इस आईसी है, यहाँ पे लगा रहा हूँ आईसी को, इसमें लगा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका सप्लाई दूंगा। सप्लाई दे दिया, आई फ्रेंड अब मीटर में देख पा रहे हो, मैं डीसी रेंज में रखा हूँ, इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज चेक करूँगा। गेट में है, देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड, ये मिली वोल्ट है, ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, और इसका जो बार है एनालॉग बार है वो भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। फ्रेंड हम नॉर्मल मल्टीमीटर में भी आप मेजर कर सकते हो, अब देख लीजिए। कितना वोल्ट आता है अब देख लीजिए, ये मिली वोल्ट में है फ्रेंड, ठीक है, ये 18-23 ऐसे करके मिली वोल्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। देख लिया फ्रेंड, अब ये कितना हो गया मिली वोल्ट, अब ये 300-400 मिली वोल्ट हो गया, पहले कितना था फ्रेंड्स। तो फिर आप लोगों को दोबारा दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे करके घट जाएगा, मैं इनपुट खोल दिया हूँ, फिर से पावर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, डिस्चार्ज नहीं हुआ था कैपेसिटर ना,
इस वजह से था। ठीक है, मैं ब्लॉक दिखा दूँ। जी सर्च हो गया। देख लीजिए ऐसे आ रहा है वोल्टेज। मेन जो बात है फ्रेंड्स, ये इधर इस जगह में मिली वोल्ट ही आता है जो अब, या ये ध्यान ले लीजिए जहाँ जहाँ भी इस टाइप का आईसी लगाएगा मिली वोल्ट में ही होता है मैक्सिमम केस में। लेकिन आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए मैं इसको एसी में ले लिया। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 4.2 किलो हर्ट्ज है, यही होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग करते हैं। बाकी सारे अच्छी है, लेकिन आप ये को पता करने के लिए आपको ऐसे वाला मीटर होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसको डिस्चार्ज कर ले रहा हूँ कैपेसिटर को। अभी ये जो मॉस्फेट है इसको लगाऊंगा। फिर इसको मैंने लगा दिया, अभी इसको सोल्डिंग करूंगा। फिर मैंने सोल्डिंग कर दिया। फिर इस केस में ऐसे जब आईसी लगा दिया, उसके बाद जब मॉस्फेट लगाओगे सारे चेक करने के बाद भी आपको एक बार सिर्फ पावर देना है और तुरंत खोल देना पड़ता है, क्योंकि हाँ रिले का आवाज हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप लोग जब लगाओगे इसका जो फीडबैक सर्किट में कोई दिक्कत रहेगा तो हाई वोल्टेज स्विचिंग आउटपुट कर देगा हाई स्विचिंग की वजह से, तो ये खराब हो जाएगा। फिलहाल इसका रिले का आवाज़ एक बार आ गया था मेरे को, मेरे हिसाब से सही हो गया। फिर मैं उसका फुल पावर दे रहा हूँ, 823.67 वोल्ट आउटपुट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीसीबी ओके हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे रिपेयर होता है। अगर आप लोगों का और भी नॉलेज चाहिए और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरा ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह ट्रेनिंग देता हूँ, और ऐसे पीसीबी आप लोगों का अगर रिपेयर करना है तो आप मुझे कुरियर कर सकते हो, मैं उसको रिपेयर करके भी आपको भेज सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे मुझे और भी मोटिवेट मिले और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू।